हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं एनसीसी लिमिटेड की क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आप देख रहे होंगे स्टॉक में एक कंसिस्टेंट बुलिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है और आप देखोगे मेजॉरिटी ऑफ द चार्ट्स यही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि आप देखोगे निफ्टी भी फॉल दिखाया था यहाँ कहीं अराउंड, उसी का ये फॉल था 18,000 के अराउंड अंडर आ गया था निफ्टी 18,800, तब का ये फॉल है। उसके बाद सारे ही स्टॉक यही इस ट्रेंड लाइन के साथ ही ऊपर जा रहे हैं, हर स्टॉक में यही ट्रेंड लाइन बनती हुई नजर आएगी आपको। आज की बात करें तो एनसीसी में आप देखोगे सपोर्ट लिया था स्टॉक ने सही और यहाँ बुलिश मोमेंटम देखने को मिला है। अब स्टॉक के कल नतीजे भी हैं, नतीजों के पहले का ये दौर है और नतीजों के पहले हमेशा मैंने कहा है कि नतीजों के पहले और बाद में और नतीजों वाले दिन स्टॉक थोड़ा मूडी रहने वाला है, हर स्टॉक की यही कहानी होती है। तो थोड़ी वॉलेटिलिटी आज आपको देखने को मिली है, कल भी देखने को मिलेगी, नतीजे हैंगे। और जिस लेवल से आप देखोगे आज स्टॉक में रिजेक्शन देखने को मिला है वो है 156 का लेवल, यहाँ से रिजेक्शन आया है 156 से अराउंड, और जो बायर्स का लेवल था वो ये था। तो आप हमेशा बायर्स और सेलर्स के पर्सपेक्टिव से ही समझा कीजिए, आसान रहता है समझना। अब बाय टुमारो अगर नतीजे मार्केट को पसंद आते हैं, नो डाउट नतीजे अच्छे हों बुरे हों उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट वो मार्केट को पसंद आना चाहिए, वो ज़्यादा मैटर करता है। और आप देखोगे मार्केट को सिर्फ ऑपरेटर्स ही चलाते हैं, रिटेलर्स नाम मात्र के ही होते हैं, उनके करने ना करने से कुछ होता भी नहीं है। तो कल अगर कोई मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा तो जो टारगेट्स रहेंगे अपने वो 161 के रहेंगे ऊपर की दिशा में, 161-162, एंड इसी के साथ धीरे धीरे स्टॉक जो टारगेट ऊपर कैप्चर करता हुआ नज़र आएगा वो फिर अपन को 168, उसके बाद फिर धीरे धीरे अपन को 172। अब बाय एनी मोमेंटम अगर स्टॉक यहाँ से फॉल दिखाता है या कुछ भी होता है तो फिर जो लेवल रहेंगे वो आपको सपोर्ट आज के लिए जो था 149 एंड 150 के अराउंड का मान के चलिए एक साइकोलॉजिकल लेवल है, काम करते हुए नज़र आएगा 100%। फॉल फर्दर करेगा तो आपका जो दूसरा सपोर्ट रहेगा यहाँ पे वो इस लेवल के आसपास आएगा 146। फर्दर फॉलिंग में स्टॉक आपको ये लेवल दिखा सकता है 143। तो यहाँ पे 143 पे आप देखोगे ट्रेंड लाइन पे फिर से हिट ले लेगा स्टॉक। ये नीचे के लिए तब बता रहा हूँ जब अगर स्टॉक सडन एक वॉलेटाइल मोमेंटम के साथ नीचे आ जाता है, वैसे तो स्टॉक बुलिश मोमेंटम के साथ ऊपर बढ़ रहा है, नतीजे अगर अच्छे रहेंगे तो इट्स वेल एंड गुड, क्योंकि आप देखोगे फिर स्टॉक अपन को 200 के टारगेट जल्दी ही देखने को मिलेंगे अपन को। कुछ लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर 200 कब तक पहुँचेगा, बट 200 पहुँचने में अभी समय हैगा, क्योंकि आप देखोगे सबसे बड़ी रेजिस्टेंस उसके लिए 175 है, साइकोलॉजिकल लेवल है, पहले भी यहाँ रेजिस्टेंस फेस कर चुका है ऑलरेडी, तो यहाँ भी करेगा कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। और आप पहले 150 का टारगेट आज अचीव तो हो गया, सस्टेन कर जाना चाहिए, सपोर्ट कर जाना चाहिए, तो फिर 177 का 175 का टारगेट निकलता है, तो 200 का टारगेट भी आपको ईजिली देखने को मिलेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। स्टॉक इज़ वेल एंड गुड, अच्छा स्टॉक है, परफॉर्मेंस भी अच्छी रहती है स्टॉक की। आज यही वजह है कि शायद नतीजों के पहले कुछ थोड़ा बुलिश मोमेंटम देखने को मिला है, ऑपरेटर ड्रिवन है, पहले से लोगों को पता रहता है देखो बॉस, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि नतीजे जब भी निकलेंगे तभी पता चलेंगे, कुछ लोगों को इंसाइडर्स ट्रेडिंग ट्रेडिंग के हिसाब से सारी चीज़ें पता रहती हैं। तो जब ऐसा सिनेरियोस रहते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आप देखोगे ऑलरेडी मार्केट में बूम आ सडनली क्यों आया, क्योंकि कल नतीजे हैं, कल में भी स्टॉक बहुत अच्छा चल जाए, कल ही आपको 175 का लेवल दिख जाए, एंड टू बी प्रिसाइज वो 200 तक भागने की कोशिश करे, और मे बी कल स्टॉक सडन फॉल दिखा सके, तो कुछ नहीं कहा जा सकता, थोड़े मूडी रहने वाले हैं स्टॉक। और आप देखोगे जिस हिसाब से कंपनी सही है, डिविडेंड भी सही देती है, 2.2 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था, एंड दैट इज़ वेल एंड गुड। अब नीचे के लेवल्स मैंने आपको क्लियर कर ही दिए हैं कि क्या फॉल पे क्या मोमेंटम रहेगा स्टॉक का, एंड अपवर्ड मोमेंटम में कहाँ जा सकता है, बस इन्हीं लेवल्स को आप ध्यान रखिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ज़रूर लगा लीजिएगा अगर आप शॉर्ट कर रहे हो या जो भी है, अगर लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से है तो कोई दिक्कत नहीं रहती है, बट कहीं ना कहीं रिटेलर्स हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं स्टॉक में वो फंस जाते हैं, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलिए, आपके सामने लेवल्स हैं। वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।